अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है उम्मे कुलसूम और आप देख रहे हैं राहे जन्नत चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपको रिवर्ट स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में इतनी तेज़ी से इस्लाम क्यों फैल रहा है? हर रोज़ 15 से 20 लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब भी इस्लाम ही है। इसकी वजह जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। इसकी वजह यही है कि जितना इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, इस्लाम का उतना ही तेज़ी से प्रचार होता रहता है, उतनी ही तेज़ी से गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचता है और फिर उनमें से अक्सर लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमारी एक ऐसी बहन की है जो पहले एक ईसाई हुआ करती थी और उनका नाम किरण था, लेकिन उनकी एक मुसलमान सहेली थी जिनके घर वो स्टिचिंग सीखने यानी कपड़े सिलना सीखने जाती थी। और जब वहाँ दरसे कुरान होता था तब किरण भी वहाँ बैठकर दरसे कुरान सुना करती थी। दरसे कुरान सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि कुरान ही सच्ची किताब है और इस्लाम ही बरहक मज़हब है, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उनके पूरे परिवार ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, किरण का अब नया नाम क्या है और मुसलमान बनने के बाद वो क्या कर रही हैं, ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करके दूसरों की हिदायत का ज़रिया बने। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किरण फातिमा है और इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम किरण था। तकरीबन आज से 5 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे दीन के लिए कबूल फरमाया। मेरी मौजूदा मसरूफियत जो है वो ये है कि मैं स्टिचिंग करती हूँ और घर के काम करती हूँ, अम्मी के साथ हाथ बटाती हूँ। आम रूटीन में भी पहनने वाले कपड़े सिलाई करती हूँ और शादी ब्याह में पहनने वाले स्टिचिंग सारी होती है। शौक भी है और कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, घर का भी काम चलाना होता है, तो इसलिए मेरा इस्लाम की तरफ आने का ज़रिया जो बना वो ये था कि आंटी शगुफ्ता की तरफ मैं जाया करती थी अम्मी के साथ काम करने के लिए और साथ में स्टिचिंग भी सीखती थी, तो वहाँ पे दर्स भी हुआ करता था कभी कभी। उस दर्स में सबसे पहले जो अच्छी चीज़ ये थी कि जो मुझे इस्लाम की तरफ लाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं, उनके रसूल हैं और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने यही बात से इस्लाम कबूल किया कि मुझे सच्चा दीन अपनाना चाहिए। अब इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को पढ़ भी रही हूँ और उस पर अमल भी कर रही हूँ। हालात तंग होने के बावजूद मैं अल्लाह ताला से खुश हूँ। अब मैं अपने फैमिली में जो है वो दीन और दावत का काम कर रही हूँ और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि मेरी अम्मी भी दीन में आ चुकी हैं और मेरे छोटे बहन भाई भी जो हैं वो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बच्ची जड़ी मेरी किरण है ना, उन्हें मैनू इस रास्ते पे लिया। मुश्किल तो बहुत आते रहने पर शुक्र अलहमदुलिल्लाह करते रहे कि अल्लाह तेरे राह ते आया तो सानू तेरे राह ते चलाई रखे। रिश्तेदार सी बहुत साड़ी धमकियां ला रहे सी कि मैंने आपको गोली मार देनी है, आपको ऐसे कर देंगे ऐसे कर दें। मैं क्या कोई मसला नहीं, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मार दे सानू कोई धमकियां नाल नहीं, कोई किसे नाल नहीं, असी अपना अल्लाह नू याद कीती रखा ते अल्लाह ने साडा साथ नहीं छड्डिया। उकुनास ने बहुत ही माशाल्लाह बड़े अच्छे तामन कीते ने ते मेरे इस बच्चों के खातर बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं, बहुत अच्छे सलूक बरत रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हुकूकुल नास फाउंडेशन जो है वो अच्छा अदारा है और हमारी बहुत मदद भी करते हैं और जो मेरी बहनों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके हवाले से ये है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और ज़्यादा मुसलमानों की मदद करने के लिए। हमें इस्लाम की दौलत अल्लाह ताला ने किरण की वजह से अता की। हम इदारा हुकूकुल नास की तरफ से दीन की तालीम के साथ साथ हम दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। हम दीन इस्लाम में आकर बहुत खुश हैं और गैर मुस्लिमों को भी यही दावत देते हैं कि वो दीन इस्लाम कबूल करें और अपनी दुनिया और आखिरत को सुधारें।
अब हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम पढ़ लिख के अलमा बन के दीन की खिदमत करना चाहती हैं और अपनी माँ का नाम ऊंचा करना चाहती हैं। मेरी तवक्कुआत दारुल हुकूम से यही है कि जो अभी वो मेरी बहनों की और हमारी हेल्प कर रहे हैं, मैं और मेरी अम्मी अगर ना भी हूँ तो ये अदारा मेरी बहनों की तालीम और तरबियत करता रहे। मेरा मुसलमानों के लिए यही पैगाम है कि वो अल्लाह ताला को एक माने और उसी की इबादत करें और उसी से ही मदद मांगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।